नमस्कार, मी निकिता वागदे स्टार एपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार। एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर। नागपूर एपीएमसी के किसानों की फसलें राम भरोसे। आता बातम्या सविस्तर रित्या। नागपूर कलमना एपीएमसी में किसानों की फसलें शेड के अभाव से असुरक्षित है। मैं कामठी तहसील आड़का गांव का रहवासी हूँ। मैंने 150 बोरा धान मार्केट में बेचने के लिए लाया था, सही भाव नहीं मिलने के कारण मैंने उसको कुछ दिन रोकने का सोचा, लेकिन बीच में मौसम चेंज होने के कारण बारिश आ गई। बारिश में मेरा धान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धान का जो है वैसे अभी ये धान गिला हुआ है, पहले ही भाव कम दे रहे थे और उसमें सब 200 रुपए घटा के मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें किसान के जो माल की रखवाली करने के लिए और उस कुछ सेट बनाने के लिए मैं विनती करता हूँ। विगत दिनों हुई अकाली बरसात से यहाँ पर खुले में रखी किसानों की 50,000 धान के बोरे पानी में भीगने से सड़ चुके हैं, जिससे किसान का लाखों नुकसान हुआ है। कृषि उपज मंडी ने किसानों को उचित दाम मिले, किसानों को फसलें सुरक्षित रहे और किसानों को आर्थिक फायदा हो, इसके हेतु किसान एपीएमसी के मार्केट यार्ड में अपनी फसलें बेचने लाता है। मित्रांनो, आपण आहो एशियातल्या सर्वात मोठ्या एपीएमसी मार्केट बाजार उत्पन्न मार्केट हा नागपूर जिल्ह्यातील एशियातील सर्वात मोठा बाजार उत्पन्न मार्केट असा घोषित आहे। तुम्ही पाहू शकता की माझ्या मागे आणि हा चारही भोवताल धानाचे शेतकऱ्याचे विक्रीसाठी आणलेले हे पोते आहेत। या पोत्यांना विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी ठेवलाय उघड्यात आणि जे उघड्यात ठेवलाय त्याला ह्या 2-3 दिवसात इथं पाऊस आला आणि त्या पावसामुळे त्यांचं धान हे भिजलंय आणि त्या भिजल्यामुळे शेतकऱ्यांचा घामाचा जो मेहनतीचा जो दाम मिळणारी वस्तू आहे त्या वस्तूची आज कवडी मोल भाव सरकारच्या आणि या बाजार उत्पन्नाच्या ढोबळकारो कामाने हे पूर्ण त्यांचं नुकसान झालं आहे। आधी शेतकऱ्याला पाणी मिळालं नाही म्हणून त्याचं पीक नाश झालेलं आहे, त्याच्यानंतर भाव नाही याच्यासाठी पीक ना शेतकऱ्यावर आफत आली आणि तिसरं आता शेतकऱ्याच्या पिकाला विक्रीसाठी आणल्यानंतर त्याच्यावर उघड्यात ठेवल्यामुळे व्यवस्था न केल्यामुळे पूर्ण पीक त्यांचं नाश होण्याच्या मार्गात आहे आणि याच्यावर कुठलाही माणूस आणि कुठल्याही पार्टी कोणताही नेता हा अजूनपर्यंत समोर येऊन बोललेला नाही। मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे हे नागपूरचे आहेत आणि नागपूरच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये जर असं होत असं खरोखर शेतकऱ्याच्या हिताची सरकार आणि सरकारचे हे मंत्रीगण आहे का? आज आमच्याकडे प्रश्न आहे। शेतकऱ्यांना मरण्यावर आणून ठेवला आहे आणि याच्यावर कोणीही एक शब्द बोलायला तयार नाही। मित्रांनो, शेतकऱ्यांनी कराव काय आज हा त्यांच्यापुढे प्रश्न आलेला आहे। मात्र नागपूर के कलमना एपीएमसी में किसानों की फसलें रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में शेड्स उपलब्ध न रहने से किसानों को खुले में भगवान भरोसे फसलें रखनी पड़ती है। एक और जहां यहां फसलें बेचने के लिए किसानों से सेस फंड, दलाली और अन्य कमीशन लिए जाते हैं, तो फिर किसानों की फसलें की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राजू गुर्दे नाम है मेरा, मैं यहाँ परसुनी तालुके का किसान हूँ। यानी हमारे माल को यानी अभी आठ दिन हो गए तो मैं यहाँ पे ला के रखा हूँ, यानी हम बारिश आने के बाद में ये पूरा हमारा माल ख़राब हो गया है। यानी ख़राब होने के बाद में हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे आत्महत्या के सिवा कुछ है नहीं। और आसपास के ज़िलों में से बड़ी तादाद में अनाज बिक्री को आता है और ये अनाज किसान अपने मेहनत से काम करके पकाते हैं, पर यहाँ पे उस अनाज की हालत कैसी होती है? कल ये जो बारिश आई है, कल के बारिश की वजह से किसानों का अनाज बड़ी तादाद में पूरी तरह से पानी घुसने से सड़ गया है, ख़राब हो रहा है और इसका पूरे तरह से नुकसान ये किसान का होने वाला है। सरकार एपीएमसी मार्केट ये किसानों से टैक्स लेती है, दलाली लेती है, सेस लेती है और उसका अनाज इस तरह से सड़ता है। इसके ऊपर किसी तरह का सरकार का और कोई नियंत्रण नहीं है। अब किसान ने अगर उसका अनाज कैसा तो भी पहले ही भाव कम और उसमें अगर ऐसा हुआ तो उसको करना क्या? उसने क्या आत्महत्या करने का क्या? किसान को ये इस तरह से आज सरकार कर रही है, विचार करने जैसी बात है। अधिक बातम्यांसाठी बघत रहा स्टार एपिक्स न्यूज स्टार सवार।